कैमरा पीछे लगा है क्या? Hi everyone, myself Chef Praveen Jha, and today I am going to make mango tostadas. आज हम mango tostada बनाएंगे, जो mango की recipe है. एक मिनट और रुक जाते हैं, देखते हैं कुछ और लोग आ जाए तो. थैंक यू. आज हम मैंगो टोस्टाडास बनाएंगे. यूजुअली टोस्टाडा जो है एक मैक्सिकन डिश है. ये एक तरह का तोर्तिया होता है, डीप फ्राइड तोर्तिया होता है, और उसके ऊपर बीन्स, टमाटोज, बेल पेपर्स, इन सब की टॉपिंग्स होती है. इट्स अ काइंड ऑफ स्नैक्स इन मैक्सिको. बट मैं थोड़ा इसमें ट्विस्ट करूँगा. इंस्टीड ऑफ फ्राइड आई विल यूज़ अ टोस्टेड ब्रेड एंड मैंगो. मैंगो इज़ द की इंग्रेडिएंट्स. तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अभी यूज़ करने वाला हूँ इसमें. इसमें मैं यूज़ करूँगा गार्लिक ब्रेड और मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ इसमें. फ्रेश मैंगो, बटर, कॉर्न, बेल पेपर, टोमेटोज, मिंट, चिली फ्लेक्स, सनफ्लैक्स सीड्स and some mint leaves. These are all the ingredients I will use. So let me start with this. I will cut the vegetables first. Tomatoes, some of the tomatoes I am going to cut. Some all assorted bell peppers. So फाइन डाइस हमें कट करना है इसके लिए. साइज यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए. टोमेटो डाल दिया मैंने इसमें. नाउ बेल पेपर. बेल पेपर जैसा भी हो आप ले सकते हैं. मैंने तो यहाँ पे लाल, पीले, हरे तीनों लिए हुए हैं. आपको जैसा भी अवेलेबल हो वैसा यूज कर सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि तीन तरह का बेल पेपर हो. आपके चॉइस की वेजिटेबल ले सकते हैं, एनी क्रंची वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस. थोड़ा ग्रीन बेल पेपर भी मैं डाल रहा हूँ इसमें. ये सब डालने के बाद मैं थोड़ा इसमें कॉर्न डालूंगा. यूजुअली मैक्सिको में इसमें क्या है, मैक्सिमो में बीन्स यूज करते हैं, लाइमा बीन्स वाइट वाली. मैं कॉर्न यूज कर रहा हूँ, फ्रेश कॉर्न. सम सॉल्ट आई एम यूजिंग, सम ब्लैक सॉल्ट एक्चुअली. आई डोंट यूज वाइट सॉल्ट इन एनी माई रेसिपीज. सम चिली फ्लेक्स एंड सम फ्लैक्स सीड्स. Apart from that, if you are making some, you know, dish, some chili and green coriander. ये क्या है कि अपन इंडियन खाने में ये सब डालना जरूरी होता है. और
उसी से टेस्ट आता है। ग्रीन कोरिएंडर और चिली बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद मैं थोड़ा इसमें लेमन वेज भी डालूंगा, लेमन जूस, नाउ वी विल मिक्स इट वेल। देख लीजिए इसमें चॉप मैंगो है, चॉप एसॉर्टेड बेल पेपर है, कॉर्न है, चॉप ग्रीन चिली है, चॉप धनिया है, और आप इसमें कुछ वेरिएंस करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एनीथिंग यू वांना ऐड यू कैन ऐड। फिर इसके बाद अपन ब्रेड तैयार करेंगे। ब्रेड को अपन थोड़ा स्लंट स्लाइस करेंगे, ऐसा, ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं। ये ब्रेड ले लिया है हमने, इसमें मैं स्प्रेड लगाऊंगा थोड़ा। स्प्रेड मैंने बनाया है गार्लिक बटर और पार्सले को मिक्स करके इसमें स्प्रेड लगाएंगे, फिर इसको टोस्ट करेंगे। ये स्प्रेड लिया है मैंने गार्लिक बटर और फ्रेश पार्सले, इसको मैं मिक्स कर रहा हूं। फिर इसको लगाएंगे इसमें इंस्टेड ऑफ बटर, आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू यूज ऑलिव ऑयल या कुछ घी वगैरह, उसे भी यूज कर सकते हैं आप। तो मैंने इसमें लिया हुआ है बटर और पार्सली। पार्सली और बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टोस्टाडा एक काइंड ऑफ स्नैक्स है, इसके सिमिलर डिश होते हैं इटालियन में, जैसे इटालियन में ब्रुशेटा होता है, स्पेनिश में रोस्टिनी होता है, तो इन सब ये सब क्वाइट सिमिलर है, खाली टॉपिंग्स के थोड़े फर्क होते हैं और कुछ नहीं होता। तो ये हमने ब्रेड में वो लगा लिया है और अब मैं इसमें इसको टोस्ट करूंगा। टोस्ट करूंगा मैं, एक पोर्शन में यूजुअली 4 पीस जाता है। इफ यू वांना मेक सम मोर तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं। ये अपन इसको गरम कर लेंगे थोड़ी। थोड़ा हल्का सा क्रिस्प बनाएंगे। ब्राउन होते तक, जब तक हो जाए इनको अपन टोस्ट करेंगे।
इसका टेस्ट अच्छा आएगा क्योंकि इसमें बटर में पार्सले मिक्स है, चॉप पार्सले, तो वो क्या है कि इसको अच्छी फ्लेवर देगा और अच्छी टेस्ट देगा, अरोमा भी अच्छा आ रहा है। ये टोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है, डन। ये टोस्ट हो गया है, अब क्या है जो मैंने पहले से मिक्सर बनाए हुए हैं, लुक एट द टोस्ट, इट्स अ जनरल टोस्ट, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड इसमें वही है कि स्प्रेड जो है गार्लिक बटर है और उसमें पार्सले है, दैट्स ऑल। पार्सले मैंने इसलिए डाला है कि थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा। अभी ये टोस्ट हम निकाल लेंगे, ये टोस्ट हो गया है हमारा टोस्टाडास के लिए, और ये टोस्ट निकाल लिया हमने। अभी फिर हम इसमें टॉपिंग डाल के फिर इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ये बहुत छोटा सा स्मॉल रेसिपीज है, 10 मिनट भी नहीं लगता है इसको बनाने में। डिपेंड करता है आपके पास कटिंग वेजिटेबल्स अवेलेबल है कि नहीं है, कटिंग नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये इसके ऊपर इसकी टॉपिंग डालेंगे अपन, जो हमने बनाया हुआ है कितना अच्छा लग रहा है, येलो ग्रीन, सम चिली फ्लेक्स, फ्लैक्सीस, ग्रीन चिली, बहुत अच्छा है। वैसे देखिए आम के सीज़न में आम तो वैसे ही पसंद आता है लोगों को, आम तो किसी भी फॉर्म में लोग खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्नैक्स खाना हो आम का तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंगो टोस्टाडास बहुत अच्छा है, और मेरे जितने भी रेसिपीज़ आएंगे आई विल ट्राई टू मेक ओनली मैंगो रेसिपीज़। और बाकी मैंने केसर मैंगो लिया है जो कि थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, बाकी आप लोग कोई सा भी मैंगो ले सकते हैं, हाँ मेक श्योर कि खट्टा वाला नहीं होना चाहिए। बस ये इसमें हम आप थोड़ी सी गार्निश डाल देंगे, मैंने फ्रेश मिंट लीव्स लिया हुआ है, ये सेंटर में मैं यूज़ करता हूँ, जस्ट टू गिव सम आई अपीलिंग इन दिस। बाकी आपके पास कुछ है और है, पार्सले है, बेसिल है, कोरिएंडर है, तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये हमारा डिश ऑल रेडी हो गया है, तो मैं रिकैप पे जाता हूँ जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है। ये है हमारा मैंगो टोस्टाडास, मैंगो टोस्टाडास हमने बनाया हुआ है, जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया था ब्रेड, और बाकी इसमें लिया था मैंगो, बेल पेपर असॉर्टेड, रेड, येलो, ग्रीन, ग्रीन चिली, कॉर्न, ये सारी चीज़ें ली हुई थी। और बाकी ये बहुत जिन्होंने लेट में ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए, क्योंकि रेसिपी के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेसिपीज़, तो दिस इज़ द रेसिपी मैंगो टोस्टाडास। और अभी इस पर क्या है कि फाइनल टच देंगे अपन, गार्निश करेंगे इसकी, तो उसके लिए हम उसमें थोड़ा पार्मेसन चीज़ ग्रेट कर रहे हैं, ये पार्मेसन चीज़ ग्रेट कर दिए, ये तो थोड़ा और अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मैंगो टोस्टाडास रेडी हो गया है।
और गुड टू गो है। होप यू एंजॉयड द शो, और आगे नेक्स्ट रेसिपी भी हमारी मैंगो बेस्ड ही रहेगी, जिसमें कि हम फ्रेश मैंगो ही यूज़ करेंगे। मैंगो टोस्टाडास गाइस रेडी हो गया। तो थैंक यू एवरीवन, होप यू एंजॉयड द शो। मेरा नाम शेफ प्रवीण झा है और ये बहुत दिन बाद लगभग पाँच महीने बाद मैं अमूल का शो कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप यू एंजॉयड द रेसिपीज एंड वेलकम फॉर द ऑल द रेसिपीज। कोई भी कुछ भी हो आपका सुझाव या कुछ सजेशंस तो आप लिख सकते हैं थ्रेड में। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।